वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल अकेडमी की इंग्लिश। आज की स्टूडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूंगी उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। शुरू में मैं जस्ट आपको जस्ट डिफाइन करूंगी कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग, राइटिंग और सम अदर मीडियम फ्रॉम द सेंडर ऑफ द मैसेज टू द रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है। थ्रू किस चीज़ के ज़रिए? थ्रू रीडियम, या मतलब हम लिख कर जो है किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसको पढ़ता है, राइटिंग करते हैं, और सम अदर मीडियम या कोई और मीडियम है, कोई और तरीका है, फ्रॉम द सेंडर ऑफ द मैसेज टू द रिसीवर। और ये इंफॉर्मेशन किस से एक्सचेंज होती है? सेंडर ऑफ द मैसेज जो है वो इंफॉर्मेशन पहुँचाता है रिसीवर को। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस हैं, जैसा कि ये कुछ मीडियम है, रीडिंग, राइटिंग वगैरह, सेंडर ऑफ द मैसेज, रिसीवर ऑफ द मैसेज, मैसेज खुद, ये कुछ इसके जो है एलिमेंट्स हैं। और कुछ और हैं जो हम फिर आगे जाकर पढ़ते हैं। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या होती है? अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द मैसेज सेंट बाय द सेंडर इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वो होती है जब सेंडर जिस मकसद के लिए वो मैसेज भेज रहा है, जो उसका मतलब है, रिसीवर उसको उसी तरह समझ ले जिस तरह सेंडर का मकसद था। सेंड जो मकसद है, जो मैसेज वो जिस वजह से वो पहुंचाना चाह रहा है, अगर रिसीवर ने वो मैसेज समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल है या इफ़ेक्टिव है। एन अनसक्सेसफुल और इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द रिसीवर मिसअंडरस्टैंड्स और पार्शियली अंडरस्टैंड्स द मैसेज। अनसक्सेसफुल या इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें रिसीवर उस मैसेज को या तो मिसअंडरस्टैंड करता है या बिल्कुल नहीं समझता है, और पार्शियली अंडरस्टैंड या आधा अधूरा समझता है, हाफ समझता है, तब भी जो है वो इनएफेक्टिव या अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती है। नाउ विल कम टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट इसकी डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द सेंडिंग ऑफ द मैसेज एंड एंड्स विद द फीडबैक ऑफ द रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जब सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है, और फिर जो है वो प्रोसेस जो है कुछ उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो चलता है, और फिर ख़त्म कब होता है? जब रिसीवर अपना फीडबैक देता है। और अब हम इसको डिटेल। द फॉलोइंग आर द सेवन एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के ये सेवन एलिमेंट्स है, सेंडर है इनकोडिंग मैसेज, चैनल और मीडियम, रिसीवर डिकोडिंग एंड फीडबैक। नंबर वन इज़ सेंडर। सेंडर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सेंडर भेजने वाला, मैसेज सेंड करने वाला, वो सेंडर कहलाता है। द सेंडर ऑफ द मैसेज इज़ द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। मैसेज का सेंडर जो होता है वो पर्सन होता है, वो शख्स होता है जो कि कम्युनिकेशन शुरू करता है। ही हैज़ द मैसेज इन हिज माइंड इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स। सबसे पहले सेंडर के दिमाग में, उसके माइंड में कुछ आइडिया आता है, कुछ थॉट्स आता है, कोई फीलिंग या ओपिनियन है जिसको वो दूसरे बंदे तक पहुंचाना चाहता है, दूसरे शख्स तक पहुंचाना चाहता है। तो मैसेज उसके जहन में आइडियाज़ और थॉट्स की सूरत में है। ही इंटेंड्स टू पास ऑन हिज मैसेज टू द रिसीवर। वो चाहता है कि ये आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स या जो भी है वो उसको रिसीवर तक पहुँचाए, वो किसी दूसरे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन तक जो है पहुँचाना चाहता है। नंबर सेकेंड वॉज इनकोडिंग। अब जो है सेंडर के पास उसके मैसेज जहन में आइडियाज़ की सूरत में है, वो रिसीवर तक कैसे पहुंचाएगा? वो माइंड से माइंड टू इन कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो वो उसको जो है इनकोड करेगा, अपने मैसेज को अल्फाज की सूरत देगा, या अपने मैसेज को गेस्चर्स की सूरत देगा, या किसी पिक्चर की सूरत देगा, और उसी तरह जो है वो फिर रिसीवर को पहुँचाएगा। इनकोडिंग क्या है? वो थाट्स और आइडियाज़ जब हम चेंज करते हैं, उसकी सूरत चेंज करते हैं, उसकी शक्ल चेंज करते हैं, और उसको वर्ड्स में या गेस्चर्स में चेंज करते हैं, इसको इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग इज पुटिंग अप द मैसेज इन वर्ड्स और गेस्चर्स। इनकोडिंग क्या है? ये मैसेज को डालना होता है वर्ड्स में या गेस्चर्स में या पिक्चर्स में या सिंबल्स में। इन द इनिशियल स्टेज द मैसेज इज इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज और थॉट्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टार्ट में मैसेज जो है वो आइडियाज़ या थॉट्स की सूरत में मौजूद होता है सेंडर के जहन में। द सेंडर ऑफ द मैसेज हैज मैसेज इनटू अनदर फॉर्म। और ज़ाहिर बात है, अगर सेंडर चाहता है कि उसकी बात रिसीवर तक पहुंचे, तो उसने आइडियाज़ और थॉट्स को दूसरी सूरत देनी होती है। इन केस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन ही यूजेज़ वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन में वो अपने आइडियाज़ और थॉट्स को वर्ड्स में, अल्फाज में डालता है।
इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही यूजेस बॉडी मूवमेंट्स और गेस्चर्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो बॉडी मूवमेंट्स इस्तेमाल करेगा या गेस्चर्स इस्तेमाल करेगा। मतलब अगर वो किसी को मना करता है किसी चीज़ से तो वो हाथ का इशारा करेगा। अगर वो गुस्सा दिखाना चाहता है तो फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए दिखा सकता है। अगर उसको कोई बातें बुरी लग रही हैं, वो किसी जगह बैठना नहीं चाहता, तो वो उठ के चला जाएगा। तो ये जो है उस जो अपना मैसेज जो है वो बताना चाहता है कि वो यहाँ पे खुश नहीं है, उसको ये बातें पसंद नहीं हैं, उसको जो है ये जगह पसंद नहीं है, तो बॉडी मूवमेंट्स के ज़रिए वो चला जाएगा। या अगर कोई शख्स परेशान है तो वो टहलता है, बार बार मूव वॉक करता है, जो शो करता है बॉडी मूवमेंट्स के ज़रिए, वो शो कराता है कि वो जो है वो है या वो जो है वो डिस्टर्ब है। इसी इनकोडिंग जब थॉट और आइडियाज़ को आप वर्ड्स में या गेस्चर्स में जो है वो चेंज करते हैं, इसको इनकोडिंग कहते हैं। नंबर थर्ड वन इज़ द मैसेज। मैसेज इज़ आल्सो एन एलिमेंट, ठीक है। द मैसेज इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़ और फीलिंग्स इन द बिगिनिंग। असल में मैसेज जो होता है उसी की खातिर ही कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। मैसेज शुरू में आइडियाज़ और फीलिंग्स की सूरत में होता है। आफ्टर इनकोडिंग द मैसेज टेक्स द शेप ऑफ वर्ड्स, गेस्चर्स, साइंस, डायग्राम्स और सिम्बल्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की वीडियो उससे पहले दी है, उसमें मैंने ये सब क्लियर किया है कि वो मैसेज या तो वर्ड्स की सूरत में होगा वर्बल कम्युनिकेशन में, और वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में वो रिटन वर्ड्स होते हैं। गेस्चर्स जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जब आप इशारे से गेस्चर्स, जब आप इशारे, साइंस, कोई साइन देकर, कोई निशानी देकर, जैसे कोई है रोड के किनारे पर कोई एरो लगा हुआ हो या कोई जो है ख़तरे का निशान लगा हो, डायग्राम्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए और सिंबल्स के ज़रिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वो मैसेज पहले किसी के जहन में, सेंडर के जहन में आइडियाज़ और थॉट्स की सूरत में होता है। इनकोडिंग के बाद वो या गेस्चर्स की सूरत लेता है या वर्ड्स की सूरत लेता है या डायग्राम्स और सिंबल्स की सूरत लेता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। द मैसेज इज़ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैसेज कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे पहला, सबसे बेसिक एलिमेंट है। द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस फॉर द सेक ऑफ कन्वेइंग द मैसेज। कम्युनिकेशन का तमाम प्रोसेस जो है वो मैसेज को कन्वे करने की खातिर उसके लिए जो है वो वजूद में आता है। नंबर फोर्थ वन इज़ चैनल और मीडियम। इनकोडिंग कर लिया उसने जो है सेंडर ने, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने जो मैसेज है उसको वर्ड्स में लिख लिया या उस गेस्चर्स जो है उसमें चेंज कर लिया, अब वो किस चैनल के ज़रिए, किस तरीके से जो है दूसरे को अपना वो पहुँचाएगा। द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट इज़ डिसाइडेड बाई द सेंडर। ये मीडियम्स और ये तरीका क्या है, यही तरीका है, या पिक्चर्स या वर्ड्स या सिंबल्स या डायग्राम, ये चैनल है, ये वो रास्ता है जो वो चुनता है, ये वो मीडियम है जो अपना मैसेज पहुंचाने के लिए जो है वो चूज़ करता है। द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट इज़ डिसाइडेड बाय द सेंडर, और ये फैसला सेंडर करेगा कि वो कौन सा मीडियम इख्तियार करें। ही कैन यूज़ ओरल और रिटन वर्ड्स, वो ओरल या रिटन वर्ड्स जो है वो चूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो खामोश हो जाए, ठीक है, तो ओरल में आप जो है उसको जो है मुँह से कहेंगे, ओरल वर्ड्स यूज़ करेंगे, रिटन में आप उसको लिख के दे सकते हैं दैट ही शुड बी साइलेंट एट दिस मोमेंट, या अगर आप गेस्चर्स में उसको आसानी से जो है आप इशारा कर सकते हैं कि वो खामोश हो जाए। मैसेज जो है में ये है कि आप उसे कह रहे हैं कि खामोश हो जाए, लेकिन मीडियम डिफरेंट है। खामोश हो जाना दिस इज़ द मैसेज, लेकिन मीडियम जो है वो तीनों में डिफरेंट है। एक में आप ओरल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एक में आप रिटन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक में आप गेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है मीडियम कि आप किस तरीके से जो है वो अपना, किस चैनल, किस मीडियम के ज़रिए जो है अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। ही कैन यूज़ पिक्चर्स, सिंबल्स और डायग्राम। सेंडर ऑफ द मैसेज पिक्चर्स भी यूज़ कर सकता है, सिंबल्स या डायग्राम्स भी। मतलब कि अगर आप किसी जो है ज़्यादा लोगों को जो है अपना मैसेज देना चाहते हैं तो कोई पिक्चर्स वगैरह, पेंटिंग वगैरह भी ड्रॉ करके जो है पब्लिक तक अपनी बात पहुँचाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह न्यूज़पेपर्स में कार्टून्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं और उसके ज़रिए एक मैसेज जो है या कोई तंज होता है, आयरनी होती है, वो दूसरे लोगों तक पहुँचाया जाता है। सिंबल्स और डायग्राम्स, सिंबल्स वही रोड के किनारे आपको मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स मिलेंगी, या इसकी मिसाल ये है कि CNG स्टेशन्स में एक मोबाइल जो है वो बना हुआ होता है और उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, या सिगरेट बना होता है और उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, ये सब सिंबल्स हैं। ये पब्लिक को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर CNG स्टेशन में दे शुड नॉट यूज़ मोबाइल और दे शुड नॉट स्मोक देयर। तो वो जो है उनको सिंबल्स के ज़रिए एक मैसेज दे रहे हैं, और डायग्राम या डायग्राम ड्रॉ करके जो है दूसरों तक अपना मैसेज पहुँचाया जाता है।
तो ये तमाम जो है वो मीडियम्स हैं। ही कैन आल्सो चूज फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट्स टू पास ऑन हिज मैसेज कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन एंड द नॉलेज ऑफ द रिसीवर। सेंडर जो है ये तमाम मीडियम यूज़ कर सकता है, ओरल और रिटन वर्ड्स, पिक्चर, सिंबल डायग्राम्स, या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अब हम थर्ड बता रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए गेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट्स वो जो है वो यूज़ कर सकता है टू पास ऑन हिज मैसेज, अपना मैसेज दूसरे तक पहुँचाने के लिए। कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन एंड द नॉलेज ऑफ द रिसीवर, ये बहुत ज़रूरी है कि सेंडर जो है वो सोच समझ कर जो है चैनल का इंतखाब करे, वो सिचुएशन को देखे कि इस सिचुएशन में किस तरह का मीडियम जो है वो मुझे चूज़ करना चाहिए, एंड द नॉलेज ऑफ द रिसीवर, और ये भी कि रिसीवर जो है उसका नॉलेज क्या है। मिसाल के तौर पर अगर इसी तरह यही एग्जांपल ले ले, सीएनजी स्टेशन में हर किस्म के लोग आते हैं, ड्राइवर्स, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, तो अगर वो इंग्लिश में अपना मैसेज लिख के देते हैं या इवन उर्दू में लिख के देते हैं या किसी और लैंग्वेज में, तो हो सकता है कि ड्राइवर्स जो है वो लिखना पढ़ना ना जानते हों और वो उसको जो है नहीं समझ सकें। लेकिन जिस तरह वो सिम्बल्स ड्रॉ करते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं मोबाइल की और सिगरेट की, उस पर क्रॉस लगा देते हैं, तो एक अनएजुकेटेड बंदा भी जो है इस बात को समझ सकता है, वो पिकअप कर सकता है कि इनका मतलब ये है कि दे शुड not use mobile or smoke there। यहाँ पर जो है अगर वो oral message for example करें कि अगर वो जो है recorded जो है एक आवाज़ चलाएं, जैसे बार बार उनको बताएं कि आप जो है यहाँ mobile use ना करें या ये use ना करें, smoke ना करें, तो वो इतना effective नहीं होगा, क्योंकि आने जाने वाले लोग जो है ज़ाहिर है वो आपस में भी बातें कर रहे होते हैं और वो oral message पूरा सुनें या पूरा ना सुनें उस पर ध्यान ना दें, लेकिन एक पिक्चर के ज़रिए वो बात बहुत जल्दी वो पिक कर लेते हैं और उनके जहन में जो है बहुत ईजीली जो है वो आ जाती है। तो मीडियम जो है वो सिचुएशन को देखकर और नॉलेज ऑफ द रिसीवर को देखकर चूज़ करना है। अ प्रॉपरली चोजन चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज इज़ वाइटल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अ प्रॉपरली चोजन चैनल मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। होप आपको ये क्लियर होगा कि मैसेज जो है वो डिफरेंट होता है और मीडियम जो है वो डिफरेंट होता है। एक ही मैसेज जो है वो आप मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ वन इज़ द रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसके लिए मैसेज भेजा जाता है। द रिसीवर इज़ द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज़ इंटेंडेड। रिसीवर वो शख्स होता है जिसके लिए मैसेज भिजवाया गया होता है। रिसीवर कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। रिसीवर एक शख्स भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। जैसे आप एक शख्स को जो है बात करें औरल वर्ड रिटर्न या जो है कोई भी, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। जिस तरह मैं इस वक्त जो है ये लेक्चर कम्युनिकेट कर रही हूँ, सो इट्स नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको सीएनजी स्टेशन पर पेट्रोल पम्प की एग्जाम्पल दी है जहाँ पर मोबाइल और स्मोक के मना किया जाता है, तो वो भी अ ग्रुप ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों के लिए वो मैसेज जो है वो है। द रिसीवर गेट्स द मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड ही ट्राइज टू डीकोड इट। रिसीवर का क्या काम है, वो मैसेज जो है वो गेट करता है, सेंडर का काम उसको मैसेज पहुंचाना है। रिसीवर वो मैसेज हासिल करता है और उसको डीकोड करता है, वो उससे मीनिंग निकालता है। वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही मिसाल ले लें कि मोबाइल और सिगरेट उस पर क्रॉस है, तो रिसीवर में इतनी अकल होनी चाहिए कि वो समझ जाए, वो उसको डिकोड कर सके, वो इसका मतलब जो है वो निकाल सके। अब अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये इस पर क्रॉस क्यों लगा हुआ है मोबाइल पर या सिगरेट पर, उसको इतनी अकल नहीं है। लेकिन अगर ज़ाहिर है कोई अडल्ट है तो वो इस बात को समझता है। तो रिसीवर का काम है कि वो मैसेज को डिकोड करे, इससे मीनिंग निकाले। The decoding of the message depends upon the knowledge of the receiver along with his relationship with the sender. डिकोडिंग ऑफ द मैसेज डिपेंड करता है कि रिसीवर के पास कितना नॉलेज है। अगर आप उससे किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, तो ये ज़रूरी है कि रिसीवर को नॉलेज हो, वरना जाहिर है वो फिर नहीं समझ सकता। प्लस अलॉन्ग विद हिज रिलेशनशिप विद द सेंडर, रिसीवर का सेंडर के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो उसके मुताबिक उससे मीनिंग निकालेगा। अगर आपको कोई क्लोज फ्रेंड आपको कोई मैसेज करता है तो आप उसकी मीनिंग डिफरेंट निकालते हो, लेकिन वही मैसेज अगर आपको कोई टीचर या आपको फादर या आपकी मदर करती हैं या कोई दूर का रिश्तेदार करता है जिससे आप जो है बेतकल्लुफ़ नहीं है, जिससे आपका रिलेशन फॉर्मल है, फासला है, तो आप उसके जो है मीनिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से निकालोगे। इसी तरह अगर कोई मैसेज आपको आपको कोई ओपोनेंट करता है, कोई नेगेटिव शख्स करता है जो आपको पसंद नहीं है, तो उस मैसेज का मीनिंग आप डिफरेंट निकालोगे। तो ये डिपेंड करता है कि रिसीवर का सेंडर के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस लिहाज से जो है वो उसकी मीनिंग निकालेगा। नेक्स्ट वन इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग ये इनकोडिंग का अपोजिट है।
सेंडर के जहन में जो मैसेज होता है थॉट्स के ज़रिए वो उसको वर्ड्स में जो है कन्वर्ट करता है और रिसीवर तक पहुंचाता है। रिसीवर को जब वो वर्ड्स मिलते हैं, वो पिक्चर सिंबल डायग्राम मिलती है, तो रिसीवर उस डायग्राम से मीनिंग निकालता है और उसको मतलब अपने जहन में जो है उसके दोबारा थॉट्स और आइडियाज़ की सूरत में वो मैसेज आता है। सिंपल वो समझ लेता है, उसको वो समझना, मैसेज को समझना डिकोडिंग है। डिकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। डिकोडिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है मैसेज को इंटरप्रेट करना और मैसेज को समझना। द रिसीवर ऑफ द मैसेज लिसन्स टू द वर्ड्स ऑफ द सेंडर। रिसीवर के पास मैसेज जिस भी मीडियम में आता है, अगर वो रिटन में, अगर वो ओरल में है तो वो उसके वर्ड्स को सुनता है, अगर वो रिटन में है रीड्स द रिटन वर्ड्स तो वो रिटन वर्ड्स पढ़ता है और नोटिसेस द गेस्चर्स ऑफ द सेंडर, और अगर वो गेस्चर्स के जरिए सेंडर उसे समझाता है तो रिसीवर उसके गेस्चर्स को नोट करता है एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज डिलीवर्ड टू हिम, और वो कोशिश करता है कि वो मैसेज को अंडरस्टैंड करे जो उस तक पहुंचाया गया है। रिसीवर तक जिस भी मीडियम के ज़रिए मैसेज पहुंचता है, रिसीवर वो मैसेज हासिल करता है और फिर कोशिश करता है कि वो उसको डिकोड करें और वो समझ सके कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। A successful communication occurs only when the receiver understands the message in exactly the same way as it was intended by the sender. Decoding भी बहुत सब तमाम elements important है, decoding is also very important. अगर जो है receiver सही तरह decode नहीं करता या नहीं कर सकता तो कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब रिसीवर वो मैसेज उसी तरह समझे जिस तरह जो है सेंडर का इरादा है। नंबर 7 इज़ द फीडबैक, दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट। फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स। जब रिसीवर उसको डिकोड करता है और रिसीवर वो मैसेज समझ लेता है तो फिर वो उसका जवाब देता है, उसका जवाब जो है वो फीडबैक कहलाता है, वो रिस्पॉन्स देता है या वो रिप्लाई करता है। दिस इज़ फीडबैक, दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर हम किसी को हाथ का इशारा करें कि खामोश हो जाओ तो दिस इज़ अवर मैसेज। मैसेज ये है कि खामोश हो जाएं, हम जो है वो सेंडर है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंडर हूँ, मैं किसी को इशारा करती हूँ दैट शी और ही शुड बी साइलेंट। मैसेज ये कि वो खामोश हो जाए। मीडियम में इशारा कर रही हूँ तो दिस इज़ द गेस्चर्स, मैं गेस्चर जो है वो चूज़ करती हूँ, मैं जिसको जो है अपना मैसेज भिजवा रही हूँ ही और शी इज़ द रिसीवर, और वो जो है इसको डिकोड करता है, वो समझ लेता है कि मेरे जो है इसका क्या मतलब है। और अगर वो खामोश हो जाए, दिस इज़ द फीडबैक, वो फीडबैक के ज़रिए खामोश हो जाए तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ वो जो है मेरी बात समझ गया है और उसने जो है मुझे सही रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन अगर वो मतलब उसका रिस्पॉन्स दूसरा हो, अगर वो नहीं समझे या वो इधर उधर देगी या वो कन्फ्यूज़ हो जाए तो इसका मतलब ये है उसका फीडबैक जो है, फीडबैक तो दिया है लेकिन फीडबैक जो है उससे पता चलता है कि उसको मेरे मैसेज की समझ नहीं आई है। द फीडबैक इज़ द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का आखिरी स्टेप है। इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज। जब रिसीवर मैसेज डिकोड करता है तो फिर जो है वो रिस्पॉन्स देता है और वो रिस्पॉन्स फीडबैक है। ही अंडरस्टैंड्स द मैसेज, वो मैसेज को समझ लेता है एंड सेंड्स रिप्लाई टू द सेंडर। द फीडबैक शोज द एफिकेसी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक हमें बताता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं था, क्या वो समझा है हमारी बात को या नहीं। विद द फीडबैक गिवन, अब फॉर एग्जांपल ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसने फीडबैक दे दिया, फीडबैक के साथ अनदर साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन विच द रिसीवर बिकम्स द सेंडर ऑफ द मैसेज इन विच ही इनकोड्स द मैसेज एंड चूजेस अ मीडियम फॉर कन्वेइंग द मैसेज। अब ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये एक नहीं है कि हम एक मैसेज पास ऑन कर ले और ख़त्म हो जाए। ज़ाहिर है ये जो वो खामोश हो जाए, हम किसी को कहें चले जाओ और वो चला जाए, वट एवर, एक भी साइकिल भी हो सकता है। लेकिन अक्सर तो ये होता है कि इसमें ज़्यादा बातें होती हैं। हम जो है किसी को अपनी बात बताते हैं, वो फिर हमें रिप्लाई करता है, हम फिर दोबारा उसको कहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन की साइकिल्स जो है वो एक के बाद दूसरी स्टार्ट होती हैं। फीडबैक जब दे देता है रिसीवर, असल में वो एक और कम्युनिकेशन साइकिल का आगाज़ होता है जिसमें रिसीवर अब सेंडर बन गया और रिसीवर अपना फीडबैक जो उसका मैसेज है, वो उसका फीडबैक है, अब वो पहुंचाता है। अब ज़ाहिर वो उसको इनकोड करेगा, वही जो है अगर वो कुछ जवाब देता है, अगर वो खामोश होता है या कुछ भी करता है तो वो अपने मैसेज को इनकोड करेगा और फिर वो जो है एक मीडियम चूज़ करेगा और उसको जो है फिर सेंडर तक पहुँचाएगा जो अब रिसीवर बन गया है। विद द फीडबैक गिवन, जब वो फीडबैक दे देता है, अनदर साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस का दूसरा साइकिल शुरू होता है इन विच द रिसीवर बिकम द सेंडर ऑफ द मैसेज। अब रिसीवर ने तो एक दफ़ा मैसेज रिसीव कर लिया, अब वो जब फीडबैक देगा तो वो फीडबैक असल में उस गया
इन विच, जिसमें वो क्या करता है, ही इनकोड्स द मैसेज, उसके जहन में जो बात आती है वो उसको इनकोड करता है, वो उसको जो है वर्ड्स में या गेस्चर्स में चेंज करता है, एंड चूजेज अ मीडियम फॉर कन्वेइंग द मैसेज, और एक मीडियम चूज़ करता है मैसेज को कन्वे करने के लिए। यहाँ पर एक बात, ये यहाँ पर जो है तमाम एलिमेंट्स ख़त्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि तमाम एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आप बहुत मुश्किल से एक दूसरे से अलग करके डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन ये तमाम मैसेज और इनकोडिंग और डीकोडिंग और ये रिसीवर, ये सब आपस में क्लोजली निटेड हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर क्लोजली निटेड टुगेदर, आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस वेरी क्विकली, इवन विद इन सेकेंड्स। तमाम आपस में जुड़े हुए हैं और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हमने जिस तरह बयान किया तो लगता है कि बहुत स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन प्रोसेस ज़्यादातर बहुत क्विक होता है, यहाँ तक कि सेकंड्स में जो है कम्युनिकेशन हो सकती है। आप किसी को इशारा करें आंख से, हाथ से, और वो जो है आपकी बात सुन ले, समझ ले और रिस्पॉन्स दे, सो ये सेकंड्स में हो जाता है। आप किसी को ग्रीट करें, वेव करें हाथ, मतलब हेलो कह रहे हैं, वो दूसरा भी वेव करे, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपने वेव किया, गेस्चर्स जो हैं के ज़रिए वो समझ गया आपके गेस्चर्स को, उसने डिकोड कर लिया, मतलब वो समझ गया और उसने भी वेव किया, दिस इज़ द फीडबैक। तो सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी होता है। हाँ, लेट हो सकता है उस सूरत में जब आप रिटर्न मैसेज किसी को भिजवाते हैं और वो जो है उसको उसको पहुंचने में उसको टाइम लगता है, उसको जवाब देने में टाइम लगता है, वो दूसरी बात है, लेकिन बहुत तेज़ी से अक्सर ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम्युनिकेशन प्रोसेस अकर्स वेरी क्विकली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।